हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलर्स एंड फ्लेवर्स चैनल। आप सबको मेरा नमस्ते। हेयर सीरम बालों के लिए एक जरूरी स्टेप है। ये बालों को स्मूथ, शाइनी और फ्रिज फ्री बनाए रखने में हेल्प करते हैं, जिससे बाल सुलझे हुए और मैनेजेबल बने रहते हैं। इसके साथ ही अगर बाल कभी बहुत उलझे हुए और फ्रिजी लग रहे हों, तो हेयर सीरम को लगा करके बालों को डिटेंगल करके मनपसंद स्टाइल में सेट किया जा सकता है। मार्केट में तो बहुत सारे हेयर सीरम अवेलेबल हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे रहते हैं। हेयर सीरम घर पर भी बनाया जा सकता है और उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। इसीलिए आज मैं आपसे एक होममेड हेयर सीरम शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना भी काफ़ी इजी है और ये अफोर्डेबल भी है। होममेड हेयर सीरम बनाने के लिए मैंने लिया है पतंजलि का एलोवेरा जेल। इसके लिए मैंने दूसरा इन्ग्रीडियंट लिया है ऑलिव ऑयल। ये दोनों मिलकर बालों को मॉइस्चराइज रखते हैं, बालों को हाइड्रेट रखते हैं, उनमें एक प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं, जिससे बाल स्मूथ, शाइनी और सुलझे हुए बने रहते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप वाटर। ये डिस्टिल्ड वाटर है। मैंने वाटर को पहले बॉयल करके फिर ठंडा करके इस बॉटल में भर लिया है। हेयर सीरम को बनाने के लिए पहले लेंगे एलोवेरा जेल 1 चम्मच, यानी 1 टीस्पून। करीब इतना एलोवेरा जेल ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 10 ड्रॉप ऑलिव ऑयल मिलाएंगे। ऑलिव ऑयल मिलाने के बाद इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे। अब ये हेयर सीरम रेडी हो गया है। आप इसको जब भी लगाएं तो इसको अच्छी तरह से हिला करके ही लगाएं। अगर आपके बाल ज़्यादा रूखे और फ्रिजी हों, तो आप ऑलिव ऑयल की 2-4 ड्रॉप्स जो हैं इसमें ज़्यादा मिला लें। इसको इस तरह से लगाएं। थोड़ा सा हेयर सीरम अपनी हथेली में ले लें और उसको दोनों हाथों से रब करें और फिर अपने बालों में लगा लें। इससे बालों में ये अच्छी तरह से लगेगा। इसको बालों की मीडियम लेंथ से, यानी कान के नीचे के बालों से लेकर के पूरे बालों की लंबाई में लगा लें। इस हेयर सीरम को आप हेयर वॉश करने के बाद, बालों को सूखने के बाद ही लगाएं। और जब भी आपको बाल फ्रिजी या उलझे हुए लगे, तो आप इसको लगा करके अपने बालों को मैनेजेबल बनाएं। ये हेयर सीरम बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसको आप लगाएं और अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो बेल बटन आती है उसको भी ज़रूर ऑन करें। इससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं कलर्स एंड फ्लेवर्स चैनल में अलग अलग तरह की वीडियोज़ डालती रहती हूँ, तो आप उनको भी देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. Bye.